सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। वल्लभाचार्य आश्रम का वो दौरा करने वाले हैं और उसी के मद्देनजर ये व्यवस्थाएं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम और थोड़ी देर बाद उनका जो कार्केड है वो आपको नजर आएगा स्क्रीन पर। आज से कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री, कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि अब नक्सलियों से जो लड़ाई है वो आर पार के मोड में है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। कल जब वो पहुंचे तब सीएम साय और तमाम जो मंत्री हैं वो भी एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किया और उसके बाद ये दौरे की शुरुआत हो गई। आज हेलीकॉप्टर के जरिए चंपारण वल्लभाचार्य आश्रम, इसके बाद आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक भी वो लेने वाले हैं नक्सल मामलों को लेकर, और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ समेत जो नक्सल प्रभावित 8 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और DGP हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के ऑफिस का उद्घाटन भी इस दौरान होना है। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात रायपुर पहुंचे, 25 अगस्त की दोपहर वे रायपुर से लौट जाएंगे। MPV माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल उनकी सिक्योरिटी में तैनात किए गए हैं। ड्रोन दूरबीन इसके जरिए आसमान पर नजर रखी जा रही है। तो आज चंपारण स्थित वल्लभाचार्य आश्रम और ये इस वक्त आप देख रहे हैं, हलचल आपको नजर आ रही होगी। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, कल से छत्तीसगढ़ का दौरा केंद्रीय गृहमंत्री का शुरू हुआ। जो 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरे पर यह दौरा अहम इसलिए भी क्योंकि माना यह जा रहा है नक्सल मोर्चे पर फैसलाकुन यानी निर्णायक स्थितियां कैसे बने इसे लेकर कोई ठोस रणनीति अब सामने आ सकती है। चंपारण से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वल्लभाचार्य आश्रम। पहले इसी चंपारण को चंपा झिर के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम है चंपारण। और यहां ये जो हलचल आपको नजर आ रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, चूंकि स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, यही वजह है कि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कारकेड ये गुजर रहा है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, और चंपारण चंपेश्वर महादेव के वो दर्शन करेंगे। वल्लभाचार्य आश्रम वो पहुंच रहे हैं, रायपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये वल्लभाचार्य आश्रम। News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंपारण पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप कि लोगों की भारी भीड़ भी है उन्हें देखने के लिए। आज के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें वल्लभाचार्य आश्रम के बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक, जिस पर सभी की निगाहें हैं, नक्सल मामलों को लेकर यह होगी। इसमें मुख्य 8 राज्यों के जो मुख्य सचिव और DGP हैं वो इसमें रहेंगे। तनु लगातार नजर रखे हुए हैं। तनु, मेरा ख्याल है कारकेड आ गया है और गृहमंत्री भी बस पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। हालांकि कारकेड है तो सुरक्षा के लिहाज से कई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होते हैं। तनु, क्या अपडेट? चलिए संपर्क हम करेंगे, चूंकि बहुत सारी भीड़ है। एक बार फिर तनु के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो इस वक्त तक मिले हैं। चंपारण वल्लभाचार्य आश्रम चंपेश्वर महादेव के वो दर्शन करेंगे, और कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आप देख लीजिए,
जब वो यहां पर पहुंचे थे, लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी, और अब हलचल बढ़ने के साथ ही यह तय हो गया था वो पहुंचने वाले हैं। लोगों की भीड़ भी अगल बगल नजर आई। रायपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर ये चंपारण, चंपाझिर जिसे पहले आप जानते थे चंपाझिर के नाम से, अब यही है चंपारण, और चंपेश्वर महादेव के वो दर्शन करेंगे। इसके बाद जो जिस पर सबकी निगाह है, पूरे देश की निगाह है, और तनु भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तनु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या कुछ अपडेट? दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सुनना चाहते हैं, तनु क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंपारण पहुंच चुके हैं। उनका काफिला जो है मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी जो है मौजूद हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की धर्म पत्नी भी यहाँ पर जो है पहुंची हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन से पहले ही सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। करीब 4 घंटे से मंदिर प्रांगण में किसी भी भक्तों का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। वहीं मंदिर प्रांगण के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती की गई है। वही मंदिर प्रांगण से कम आसपास के एरिया कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी को पूरी तरह से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ प्रभु वल्लभाचार्य के जो है वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और इसके बाद वो चंपेश्वर महादेव जी के भी जो है वो दर्शन करने वाले। करीब 30 मिनट का समय केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर गुजारेंगे। वही अब मंदिर प्रांगण की हम बात करें तो जो चंपारण मंदिर है वो प्रभु वल्लभाचार्य का जन्मभूमि है, और पंचकोसी होने के साथ साथ ये इनकी प्रमुख जो है वो मान्यता है। इसके साथ ही ये जो है गुजराती समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में यहाँ पर 12 महीने में गुजराती समाज के लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री पहले भी चंपारण पहुंचे, 2001 में अपनी माता जी के साथ यहाँ पर चंपारण पहुंचे थे। इसके बाद भी 2013 में उनका दौरा होना था, लेकिन किसी कारणवश वो निरस्त हो चुका था। लेकिन अब इसके बाद एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर चंपारण पहुंचे, और इस बार वो अपनी धर्म पत्नी के साथ पहुंचे। ऐसे में कई मायनों में उनके इस दौरे को जो है बेहद खास माना जा रहा है। करीब 30 मिनट का समय यहाँ पर बिताने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे, और राजधानी रायपुर में करीब 12 बजे से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की जो है वो बैठक लेंगे। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत अन्य पड़ोसी राज्य के जो आला अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे, और इस पूरे बैठक में नक्सलवाद को लेकर जो है रणनीति बनेगी। तो अपने 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, और आज भी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स के जो दौर है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री जो है एनसीबी का उद्घाटन करेंगे, और नार्कोटैक्स की बैठक भी जो है वो लेंगे। बहरहाल यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर प्रांगण के बाहर मौजूद हैं, और लोग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है, और बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर की एक बार तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपसे साझा करना चाहेंगे। किस तरह की हलचल आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो नजर आएगी, क्योंकि धर्मशाला के सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगी बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये मंदिर जो है और प्रभु वल्लभाचार्य जो है वो गुजराती समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में लगातार पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में सुबह से ही धर्मशाला में गुजराती समाज के लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मंदिर प्रांगण के अंदर किसी भी भक्तों का जाना जो है वो वर्जित है, और जब तक केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर रहेंगे ये पूरी सुरक्षा की जो टीम है वो तैनात रहेंगे, और अभी भी मंदिर प्रांगण के अंदर किसी को भी जाना पूरी तरह से वर्जित है। जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे तब भक्तों को भी जो है वो दर्शन करने दिया जाएगा। वहीं मंदिर प्रांगण के अंदर भी सुरक्षा के भी खासा इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और लोग बड़ी संख्या में उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है। तो बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अंदर मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना का जो दौर है वो भी जो है थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा। जी, सरकार बनने के बाद नक्सल मोर्चे पर एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है केंद्रीय गृह मंत्री को दिखाने के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला आएगा। तनु, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की हम बात करें तो लगातार नक्सल विरोधी अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, वहीं एनकाउंटर भी नक्सलियों का यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ ही हाई लेवल मीटिंग आज भी नक्सलवाद को लेकर बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य पड़ोसी राज्य के जो पुलिस के डीजीपी और मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी है वो सब मौजूद रहेंगे, और इस पूरे बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 3 साल में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है। ऐसे में लगातार हाई लेवल मीटिंग का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले
रही इंटरनेट कोऑर्डिनेशन की बैठक यहाँ पर होनी है, जिसके बाद 2:30 बजे उग्रवादी समाज के लोगों के द्वारा उनकी जो है वो बैठक रहेगी और करीब 2:30 बजे के बाद। तो लगातार रात तक बैठकों का दौर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इस बैठक में माना जा सकता है कि कई अहम फैसले नक्सलवाद को लेकर भी जो है लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार अभियान के बाद से ही बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है, ऐसे में माना जा सकता है कि कई बड़े अहम फैसले नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य की कानून मौजूदा जो कानून स्थिति है, इसके साथ ही जो नक्सल विरोधी अभियान है, वहीं नक्सली एरियो में विकास कहाँ तक पहुंचा है, इन सभी की जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री आज की इस बैठक में लेंगे। समीक्षा बैठक का ये दौर चढ़ेगा और पुलिस के जो आला अधिकारी वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मौजूदा स्थिति है सरकार की, उसके बारे में सीएम केंद्रीय गृह मंत्री को जो है वो जानकारी देंगे। क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले थे, उससे पहले भी सीएम साय ने सभी आला अफसरों की जो है वो बैठक ली थी और इस बैठक में उन्होंने समीक्षा बैठक किया था और एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने जो है वो रखा जाएगा। जी बिल्कुल। और कल के उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रहने वाला है तनु, क्या कुछ अपडेट कल के कार्यक्रम को लेकर, कल जो कार्यक्रम होने वाले हैं? मनीष भैया मेरे को ना एंकर की आवाज, तो तनु तक आवाज नहीं जा पा रही है। हम तकनीकी तौर पर चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री है, एक स्पेशल सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है और सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं जैमर, यही वजह है कि तकनीकी दिक्कतों के चलते तनु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज जो महत्वपूर्ण बैठक, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री के पास सहकारिता का भी प्रभार है, सहकारिता से जुड़ा भी एक कार्यक्रम होना है। इसके अलावा नक्सल इलाकों में डेवलपमेंट को लेकर एक बैठक होगी, लेकिन उन सबसे पहले क्या होगा, उन सबसे पहले यह होगा कि 8 राज्यों के DGP और मुख्य सचिव जुड़ेंगे। अब वो राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में एक बड़ी तब्दीली हुई है। आंध्र प्रदेश के जो CM बने हैं चंद्रबाबू नायडू, नक्सल मामलों को लेकर जिस तरीके से ग्राउंड फोर्स ने आंध्र और जब आंध्र प्रदेश संयुक्त हुआ करता था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तब बड़ा बेहतरीन काम उन्होंने किया है। तो ये माना भी जा सकता है कि उस तजुर्बे का इस्तेमाल अब यहां पर भी किया जा सकता है। 8 राज्यों के DGP और मुख्य सचिव इस बैठक में होंगे, लेकिन उससे पहले वल्लभाचार्य आश्रम में पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृहमंत्री, चंपेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे और चंपेश्वर नाथ महादेव का मंदिर यहां पर स्थित है। एक और पौराणिक मान्यता ये कि भगवान शिव की त्रिमूर्ति का अवतरण यहां हुआ। ग्वाला दैनिक आधार पर गाय का दूध नहीं निकाल पाता था, गाय को दूध होता ही नहीं था, ऐसे में उसने पता करने के लिए आखिर ऐसा होता क्या है कि इस गाय का दूध जाता कहां है, वो ग्वाला पीछा करता है गौ माता का और पता चलता है कि जो गौ माता है वो चंपेश्वर नाथ पर यहां पहुंचकर एक शिवलिंग पर स्वतः दूध अर्पित कर देती हैं। बहुत दिलचस्प ये जगह है, रायपुर के बहुत बेहतरीन जो दर्शनीय स्थल है उसमें से एक है चंपेश्वर महादेव, यहीं पर है वल्लभाचार्य आश्रम। और होलिका दहन यहां पर नहीं होता, पेड़ भी नहीं यहां पर काटे जाते हैं, ये एक अच्छी बात। चंपारण और उसके आसपास के इलाके में यहीं पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनका स्वागत किया गया था, और इसके बाद अब ये तस्वीरें जब महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम वो पहुंचे हुए हैं, एक तरह से दौरे की जो शुरुआत है उनके इसी वल्लभाचार्य से मानी जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रभु वल्लभाचार्य के जन्मभूमि चंपारण पहुंच चुके हैं। देखिए उनकी काफिला को हम आपको दिखाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह चंपारण पहुंच चुके हैं, काफिला में आप दिखाते हैं। देखिए कि गृह मंत्री इस वक्त जा रहे हैं मंदिर में, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि कैसे देश के गृह मंत्री जो है वो प्रभु वल्लभाचार्य के मंदिर इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उनकी काफिला को आप देखिए, और यहाँ वो पूजा अर्चना करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूजा अर्चना के बाद जो है देश में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, इस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ के बाद ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ठीक वहाँ जो प्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्मभूमि है वहां जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे, ये तस्वीरें हम दिखाए हैं। और अब जो है इस पूजा अर्चना के बाद जो है गृह मंत्री जो है नक्सलवाद को लेकर प्रदेश में एक बड़ी और अहम बैठक लेंगे। न्यूज 18 के लिए चंपारण से शेख इमरान। तनु आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, तो कल के क्या कुछ कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री के रहने वाले हैं? जी
जी बिल्कुल, देखिए कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री एनसीबी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद नार्कोटेक्स की बैठक भी जो है वो लेने वाले हैं और ये सब तमाम बैठक पूरी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री करीब 2:45 पर राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना होंगे, क्योंकि आज भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा और कल करीब 2 केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर लेने वाले हैं। नक्सलवाद को लेकर आज एक बैठक जो है वो हो जाएगी और इसके बाद वामपंथ को लेकर एक बैठक जो है वो करेंगे 2:30 के करीब और इसके बाद कल जो है एनसीबी का उद्घाटन करने के बाद नार्कोटेक्स को लेकर एक बैठक होनी है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो लगातार जब से वो आए हैं तब से बैठकों का दौर जो है वो हम देख रहे हैं। आज भी नक्सलवाद को लेकर बैठक रखी गई है जिसमें नक्सली मूवमेंट चल रहा था। जी तनु, तनु इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, मेरा ख्याल है वल्लभाचार्य आश्रम के अंदर की ये तस्वीरें हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बारे में, वल्लभाचार्य आश्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें, कल को लेकर आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आश्रम के अंदर की जानकारी जो आपके पास हो, इस जगह के महत्व के बारे में जो जानकारी आपके पास हो। तनु जी बिल्कुल, देखिए जो चंपारण है वो प्राचीन मंदिरों में से एक है और चूंकि चंपारण जो है वो प्रभु वल्लभाचार्य का जन्मभूमि जो है वो माना जाता है और इसके साथ ही इस मंदिर की खासियता ये है कि ये मंदिर जो है पूरी तरह से पंचकोसी है और करीब चंपारण से 20 किलोमीटर की दूरी पर 5 में इसी तरह से मंदिर जो है वो स्थित है। इसके साथ ही जो पीछे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो धर्मशाला जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, यहां पर क्योंकि चंपारण का जो प्रभु वल्लभाचार्य की ये चंपारण जो है वो जन्मभूमि है, तो वहां उसके अलावा जो मंदिर के जस्ट साइड पे ये धर्मशाला बना हुआ है, यहाँ पर छठी का कार्यक्रम जो है वो सब रखा जाता है। तो तमाम तरह के मंदिर प्रांगण की जो है वो मान्यताएं हैं क्योंकि प्रभु वल्लभाचार्य का जन्म यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही प्रभु वल्लभाचार्य जो है गुजराती समाज से जो है वो संबंध रखते हैं। ऐसे में लगातार पूरे 12 तक यहाँ पर गुजराती समाज के लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी रहती है और अभी की तस्वीर में धर्मशाला के बाहर ही हम आपको दिखाई रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गुजराती समाज के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और इस धर्मशाला में छठी का कार्यक्रम जो है वो मनाया जाता है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर, जब उनको जानकारी लगी कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो सुबह से ही वो बड़ी संख्या में धर्मशाला में मौजूद थे और भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। इसके अलावा और भी तमाम मान्यताएं इस मंदिर के है। इस मंदिर में प्रभु वल्लभाचार्य जहाँ पर विराजमान है उसके जस्ट साइड में चंपेश्वर महादेव भी जो है वो विराजमान है और जो केंद्रीय गृह मंत्री है पहले वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद वो चंपेश्वर महादेव की जो है उनके दर्शन करेंगे और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से पूरे मंदिर प्रांगण का दर्शन केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर करने वाले हैं और माना जा सकता है कि हो सकता है कि पूरे मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के बाद वो धर्मशाला भी जो है वो पहुंचे, क्योंकि सुबह से धर्मशाला में भी भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त वो आप अंदर की देख रहे हैं, वल्लभाचार्य के बारे में तनु विस्तार से जानकारी दे ही रही हैं। इसी चंपारण को चंपाझार के भी नाम से पहले जाना जाता था, अब इसका नाम चंपारण ज़्यादा प्रचलित है, तकरीबन 60 दूर, और चंपा के फूलों का शहर इसकी ये दूसरी औरफियत भी है। और तनु लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भी हम अपने दर्शकों से लगातार साझा कर रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुँचेगा। अभी ब्रेक ले लेते हैं।